झांसी मसीहागंज थाना सीपरी बाजार अंतर्गत नंदनपुरा गली नंबर 4 पठान बाबा के पास गली बनी जुआरियों एवं शराबियों का मुख्य अड्डा मसीहागंज पुलिस हो रही है। जुआरियों एवं शराबियों को पकड़ने में असफल नजर आ रही है। आपको बताता चलूं, बीते गई गत दिवसों में नंदनपुरा गली नंबर 4 के लोग बहुत परेशान हो गए हैं। आए दिन जुआ शराब लॉकडाउन के चलते सोशल डिस्टेंस का कोई पालन नहीं, खुलकर वर्तमान सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। क्षेत्रवासियों से पूछने पर मालूम हुआ कि जब मसीहागंज पुलिस को मोबाइल से सूचना तभी वो आए और पुलिस का सायरन सुनकर भाग जाते हैं, लेकिन उपरांत पुलिस के जाने के बाद फिर वही शराब शुरू, जुआ शुरू। इनको न किसी का डर नहीं है, अगर मोहल्ले वासी मना करते हैं तो मारने की बात करते हैं, वहीं से लड़कियों का निलना मुहाल है, अभद्र टिप्पणियां करते हैं और एवं नंदनपुरा लगी न 4 पठान बाबा जल्द ही बदनाम गली एवं बदनाम मोहल्ला हो जाएगा। अगर इस विषय पर उचित कार्यवाही नहीं की गई तो या कोई बड़ी वारदात होने का भी खतरा बना रहता है। शराबियों के कारण मोहल्ले वासियों ने चैनल के माध्यम से झांसी पुलिस एवं मसीहागंज पुलिस से अपील करते हुए कहा है कि किसी भी तरह से मोहल्ले में शराब जुआ न हो, अन्यथा पुलिस ऐसे व्यक्तियों को पकड़कर उचित कार्यवाही की जाए। सर आपका? सर हमारा नाम फैजी है और मैं नंदनपुरा की गली नंबर 4 में रहता हूँ, पठान बाबा के पास। सर क्या क्या परेशानी आ रही है आपको? साहब परेशानी हमको ये आ रही है कि जिस तरीके से सरकार कह रही है कि लॉकडाउन का पालन करें जी, और वो लॉकडाउन का पालन छोड़िए, आप देख सकते गली में किस तरीके से यहाँ शराब और जुआ हो रहा है हमारी गली में, जिससे यहाँ से निकलने वाले लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो आपकी क्षेत्र की पुलिस चौकी है, जो चौकी प्रभारी है, वो यहाँ पे आके यहाँ के राउंड नहीं लेते हैं? सर राउंड मैं फोन करता हूँ, मोहल्ले वाले फोन करते हैं, पुलिस वाले आते हैं, अपना खाना पूर्ति करके चले जाते हैं, लेकिन सर उसके बाद भी ये हरकतें होती हैं या जुआ शराब होता है, इसमें कोई डर नहीं है किसी चीज़ का, ना कानून का डर है, किसी का डर है, बस अपनी गुंडागर्दी करना है, शराब पीना है। दो तीन दिन नहीं आते, फिर आने लगते, बहुत परेशान करते। आप लोग मना करती हैं उन्हें? हाँ, कैसे नहीं करते, मने हमारे बच्चे तो खुद खिलाफ है, हम जे भी कहते हैं हमारे बच्चे आ जाएंगे, गुस्सा होएंगे, पर यहाँ नहीं खेलो, लड़की भी है, फिरती है बेचारी। सर आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे गंदगी हो रही है, आप खुद देखिए कि शराब की बोतलें यहाँ होती हैं, घरों में उड़ के जाती हैं, और कितना कूड़ा होता है घरों में, गली में उड़ उड़ के जाती। सबसे बड़ी बात सर ये कि गंदगी बहुत ज्यादा होती है और गाली गलौज, ठीक है, लोगों को छेड़ना, जान से मारने की धमकी देना, हाँ? ये सब होता है। जान से मारने की धमकी किस बात पे दी जाती है? आपको इनको मना करता है कि यहाँ जुआ ना खेलो, यहाँ शराब ना पियो, अपने घर पे जाओ, तो जो है मारपीट करेंगे, यहाँ चले जाओ, गुंडे हैं, ये इस तरीके की बातें होती है। थोड़ी देर खेलना है फिर नहीं खेलेंगे, थोड़ी देर ऐसे कह के और बस पी पा के और बस, इनका कोई टाइम नहीं होता पीने का, किसी वक्त भी आ जाते हैं। रात भी रात में भी रात को काफी देर देर तक मतलब निकलते हैं, चिल्लाते हैं, दो दो बजे तक फोन पे बातें करेंगे, जे वो और सर सबसे बड़ी बात बताएं आपको, अंदर ये गली अब गली नहीं रही, ये गली अब एक बार बन चुकी है, जो शराब खाना बन चुकी है, ये शराब का अड्डा बन चुकी है, यहाँ शराब और जुआ दिन दहाड़े ये रात में किसी वक्त भी होता रहता है, इसके लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है। सब अगर मकान बना लेते, गली बंद कर देते, सब लड़ने लगते के हम कहाँ से निकलेंगे, हम कहाँ से निकलेंगे। जब आप लोगों को इतनी परेशानी है तो जो यहाँ से महिलाएं बच्चियाँ हैं सब्जी वब्जी लेने जाती हैं, उनका क्या उनको क्या निकल जाती धीरे से, एक तरफ हो जाते फिर निकल जाती, क्या करें, बदतमीजी करते हैं, गाली गलौज करते हैं उनके साथ भी, सबके साथ लड़कियों के साथ जब गाली गलौज करते हैं, अश्लील बातें करते हैं, नहीं करनी चाहिए। सर आप क्या कहना चाहेंगे, आप आपकी तो जो है कहना चाहेंगे कि ये बंद होना चाहिए, या सफाई बंद होनी चाहिए, या जुआ और शराब टोटल बंद होनी चाहिए, या शराब जुआ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बंद। बच्चे रहते हैं, बहुएं रहती हैं, जैसे घर में सफाई रहती है ऐसे ही रहना चाहिए। सरकार के बनाए हुए नियमों का पालन करना चाहिए। आपने बताया कि आपने अभी पुलिस को अवगत कराया, तो जो पुलिस यहाँ पे मौके पे आई थी? हाँ पुलिस मौके पे आई, मैंने एक से बार मेरे फोन लगाया, पुलिस आई, पुलिस आती है तो भाग जाते भाग जाते, जब से रोजा चालू हुए जो पप्पू बेचारा लगाता झाड़ू, वहाँ की हम लगा लेते, जी यहाँ की लगा लेता।